गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में अपन ने प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के बारे में पढ़ा था। अब अपन इसके टाइप्स देखेंगे। किसके टाइप्स? प्लांट ब्रीडिंग के टाइप्स। तो देखिए अपना टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। देखिए जो प्लांट ब्रीडिंग है उसके 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है बेक क्रॉसिंग, सेकेंड इन ब्रीडिंग, थर्ड हाइब्रिड ब्रीडिंग, फोर्थ म्यूट्रेशन ब्रीडिंग और फिफ्थ है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये किसके टाइप्स है? प्लांट ब्रीडिंग के। ठीक है, तो जो प्लांट ब्रीडिंग है उसके 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? बेक क्रॉसिंग, सेकेंड इन ब्रीडिंग, थर्ड हाइब्रिड ब्रीडिंग, फोर्थ म्यूटेशन ब्रीडिंग और फिफ्थ जेनेटिक ब्रीडिंग। ठीक है, इनकी डिटेल की रीडिंग आपको आपकी बुक से लगानी है। अब अपन प्लांट ब्रीडिंग की स्टेप देखेंगे कि जो प्लांट ब्रीडिंग है उसमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो की जाती है। तो देखिए प्लांट ब्रीडिंग में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है? कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, मतलब सबसे पहले जो वैरायटी है उसका सिलेक्शन किया जाता है। अब वैरायटी किसकी? सीड्स की वैरायटी। भाई आप प्लांट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सीड से ही तो ग्रो करेंगे। तो प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहले जो सीड है उसकी वैरायटी का सिलेक्शन किया जाता है कि जो सीड्स है मतलब कि जो बीज है वो अच्छी क्वालिटी के हो। ठीक है, वो अच्छे हो और उनसे अच्छी यील्ड मिले अपने को। ठीक है, वो जो सीड्स है वो अनहेल्दी ना हो, वो क्या हो? हेल्दी हो। ठीक है, तो इस तरह से जो प्लांट ब्रीडिंग की फर्स्ट स्टेप है कौन सी? कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। इसके अंदर सीड्स की क्वालिटी का सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड वाला, इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद में प्लांट्स का सिलेक्शन किया जाता है कि किस टाइप का प्लांट कौन से सीजन में ग्रो किया जाए, कौन सी सोइल इसके लिए यूजफुल है, कौन सा क्लाइमेट इसके लिए यूजफुल है। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग स्टेप में फर्स्ट स्टेप कौन सी हो गई? सिलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। सेकंड कौन सी हो गई? इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रोसेस अपनी क्या आ गई? क्रॉस हाइब्रिडेशन। ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करेंगे अपन? क्रॉस हाइब्रिडेशन। क्रॉस का मतलब क्या होगा कि लगातार एक के साथ एक ही फसल को नहीं उगाना है, आपको क्रॉप प्रोटेक्शन जो प्रोसेस है उसको क्या करना है? फॉलो करना है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि अगर आप वीट ग्रो कर रहे हो तो आप 10-20 ईयर तक वीट ही वीट ग्रो करे जाओ तो जो सारे न्यूट्रिशन है सॉइल के अंदर वीट के लिए वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? क्रॉप रोटेशन की जो प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, फिर अपन सिलेक्शन करेंगे कि कब कौन सा ग्रो करें और वीट के बाद में कौन सी क्रॉप ग्रो करें और उसके बाद में कौन सी करें। ठीक है, इस तरह से उसके बाद में अपन क्या करेंगे कि जो अपन ने क्रॉप का प्रोडक्शन किया है उसका अपन टेस्ट करेंगे कि जब आपने वीट को वीट की कौन सी क्वालिटी का सीड लिया उससे आपको कितनी यील्ड मिली और आपके जो साथ में जो और भी वर्क कर रहे हैं उनको कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना, तो ऐसा है कि जो लेबोरेटरी है उसके अंदर केवल एक ही फसल का पूरा नहीं किया जाता है, एक ही टाइप की 3-4 क्रॉप क्या किया जाती है? ग्रो की जाती है। फिर उनसे जो डेटा मिलते हैं, रिपोर्ट मिलते हैं, उनको क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है कि कौन सी क्रॉप प्रोसेस से, कौन सी क्लाइमेट से, कौन सी जो आप कंडीशन दे रहे हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड किससे मिल रही है। नेक्स्ट है टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शियल। फिर अपन क्या करेंगे कि जो अपने को अच्छी क्वालिटी की क्रॉप का पता लगा और जिससे ज़्यादा यील्ड मिली है उससे पता लगा, फिर अपन उसका वापस टेस्ट करेंगे कि अगर इसको इसका क्लाइमेट चेंज कर दिया जाए तो अपने को किस टाइप की क्रॉप मिलेगी, कितनी और ज़्यादा मिल सकती है क्या, फिर अपन इससे क्या करेंगे? इनकम करेंगे। ठीक है, फिर जो अपन ने जो प्रोसेस मिली है अपने को ज़्यादा यील्डिंग की, ये अपन फार्मर्स तक क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे, फार्मर्स को इनके बारे में बताएंगे जिससे कि इनकम अच्छी होगी। तो ये अपने फर्स्ट कंप्लीट हो गया प्लांट ब्रीडिंग स्टेप। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या था? देखिए पहले तो अपन ने पढ़ा था प्लांट इम्प्रूवमेंट। ठीक है, वो अपना फर्स्ट था। अब बी वाला अपना क्रॉप प्रोडक्शन
अगर आप इसको मैनेज नहीं करेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं होगा ना। अगर क्रॉप को प्रोडक्शन तो कर लिया लेकिन इसको मैनेज नहीं किया तो वैसे ही डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो क्रॉप प्रोडक्शन करने के बाद में हम क्रॉप का क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, उसको ड्राई प्लेस पे रखेंगे, उसको अच्छे से ड्राई करेंगे, ठीक है। उसमें इंसेक्ट वगैरह नहीं लगे, वो डैमेज नहीं हो, इसके लिए उसमें मेडिसिन वगैरह और जो नीम लीव्स है उनको डालेंगे, ठीक है। उनका प्रोटेक्शन करेंगे, गिनी बैग्स में उनको भर के रखेंगे, ठीक है। उनका अच्छा सा स्टोरेज करेंगे ताकि वो फ्यूचर के लिए यूजफुल हो। उसके बाद में आता है न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन और क्रॉप प्रोटेक्शन के बाद में हम न्यूट्रिशंस का भी मैनेजमेंट देखेंगे, ठीक है ना, कि भाई कौन सी क्रॉप से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ठीक है। उन न्यूट्रिशंस का भी अपन क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। अब देखिए न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में वो टू टाइप्स होता है, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का डिफरेंस आपको आपकी बुक में पेज नंबर 305 पर गिवन है। तो 305 से आपको मैक्रो न्यूट्रिशन एंड माइक्रो न्यूट्रिशन का डिफरेंस सेल्फ लिखना है, ये टेबल आपको सेल्फ बनानी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन मेन्योर के एडवांटेज और उसके टाइप्स देखेंगे। आपको ये वर्क साइंस के रजिस्टर में करना है और यहाँ तक आपकी बुक से रीडिंग लगाना है और इनको लर्न करना है।